नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी S10 5G वेरिएंट के बारे में। क्या इस फोन के अंदर होने वाला है, क्या इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा। प्रॉपर अनबॉक्सिंग तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है हैंडसेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब चैनल इतना चल नहीं रहा है क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ ही नहीं करना, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। इससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें नए वीडियो बनाने की हिम्मत। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर की, इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो है हमें सैमसंग S10 5G जो मोबाइल है वो हेडसेट इसके अंदर मिलेगा। 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो है वो भी बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल है। USB टाइप सी टू USB केबल हमें इसके अंदर मिल जाती है। एक USB टाइप सी हेडफोन इसके अंदर हमें मिल जाता है। सिम इंजेक्टर टूल हमें मिल जाता है और एक प्लास्टिक केस मिलता है। काफ़ी अच्छा ये केस है। इस फोन के अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये फ़ोन के क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इस फोन के अंदर हमें मिल पाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस फोन की यदि बात करें तो इस फोन के अंदर हमें जो है 6.7 इंच का QHD डायनेमिक डिस्प्ले मिल जाता है और बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की यदि बात करें तो इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो अब तक सबसे ज़्यादा है सैमसंग के S10 सीरीज के अंदर। यदि हम बात करें तो इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है 89.4%। और यदि इसकी बात करें तो पावर बटन जो है वो बॉडी के अंदर थोड़ा सा नीचे की तरफ रिप्लेस किया गया है। 4500 mAh की जो है आपको इसके अंदर मैशिव बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। 12 MP का वाइड एंगल कैमरा इसके अंदर हमें मिल जाता है। 12 MP का टेली फोटो जो है सेंसर इसके अंदर हमें मिल जाता है और 16 MP का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाता है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर बैक के अंदर हमें 4 कैमरा मिल जाते हैं। यानी आपका फोटो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है इस फोन के साथ। और इसकी यदि फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें कोई नोच नहीं मिलता, कोई पॉपअप नहीं मिलता, लेकिन हाँ हमें मिल पाता है पंच होल डिजाइन। और जो पंच है इसका वो बड़ा ही यूनिक है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर आपको देखने के मिल जाएगा। और यदि बात करें इसके अंदर तो हमें जो है 10 टाइम फास्टर जो है वो 4G से 10 टाइम फास्टर 5G बेसिकली होता है वो हमें इसके अंदर मिल पाता है। हम यूज कर पाएंगे 10 टाइम फास्टर इंटरनेट विद 0% लेगेसी के साथ। और यदि बात करें इस फोन के बारे में थोड़ा सा तो इसके अंदर हमें मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर हमें मिल जाता है। यदि प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर जो है सैमसंग की ये बात प्रोसेसर के रिगार्डिंग मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो एशिया के अंदर सैमसंग जो अपना फ़ोन लॉन्च करता है उसके अंदर हमें एक्सनोस के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, और जो यूरोप कंट्रीज के अंदर या एशिया के अलावा जहाँ पे भी सैमसंग अपने मोबाइल लॉन्च करता है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के जो है प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो वही इसके अंदर भी किया गया। इसके अंदर जो है हमें यदि एशियन कंट्री के अंदर, यदि इंडिया के अंदर हम खरीदते हैं तो इसके अंदर हमें जो है एक्सनोस का 9820 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और यदि हम खरीदते हैं यूरोप कंट्री के अंदर तो हमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो वेरिएंट अभी अवेलेबल है वो 8GB 256GB वेरियंट अवेलेबल है, यानी 8GB रैम और 256GB रोम के साथ ये वेरियंट अवेलेबल है। यदि आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं, इस फोन की प्राइस जो बड़ी ही भयंकर है वो प्राइस है 89,900 रुपीज़। आप मेरे को बताइएगा क्या आप इंडिया के अंदर 5G लॉन्च होने से पहले आप 5G फ़ोन खरीदना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा जो है वो थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा वीडियो के अंदर क्या करने की, ताकि हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में वीडियो को थोड़ा सा बेहतर बना सके। और हाँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए डेली टेक्नोलॉजी से जुड़ी न्यूज़ लेके आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।